मम नाम वीर सनातन पुरणेन्दुराय साहित्यस्य अध्यापकः नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरवणी दरभंगा। अभी हमने कुछ देर पहले छठा वीडियो अपलोड किया शास्त्री प्रथम खंड के लिए। शास्त्री प्रथम खंड के लिए ही है। अभी हमने बताया था श्रव काव्य के जो भेद होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य को हमने बताया महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। फिर गद्य काव्य को मैंने दो भागों में बांटा, कथा काव्य और आख्यायिका। और चंपू काव्य जो होता है मिश्रित होता है, गद्य पद्य युक्त होता है। अब कवि परिचय हम लोग जानेंगे, कवि परिचय, महाकवि कालिदास का परिचय। तो कालिदास कहीं भी किसी भी ग्रंथ में अपना कहीं भी नाम पता परिचय न दत्तवान। इसमें हम देखते हैं महाकवि कालिदास के ग्रंथों को ही अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये भगवान शिव के उपासक थे। और अनुमानित जन्म स्थान अब तक जो माना जाता है वो जैनी को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसमें आश्रयदाता इनके जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे जो कि गुप्त काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए। और गुप्त काल में जो है भारत का जो नवोदय हुआ और भारत में जो आर्थिक तरक्की हुई उसी का परिणाम है कि कालिदास जैसे महाकवियों का हम जो है नाम सुनते हैं और इतने अच्छे ग्रंथों को हम पढ़ पाते हैं। परंतु आश्रयदाता श्रेष्ठ थे, यही कारण से इन काव्यों की रचना, और कहते हैं कि स्वर्ण युग उस काव्य उस काल को कहते हैं गुप्त काल को, तो स्वर्ण युग करने का कारण था क्योंकि काव्यों की काफी रचनाएं हुई। पत्नी विद्वत्तमा से ससुर नामस्ति शारदा नंदा, रचना कालक्रम दृष्टया। कालिदास की जो रचना है ये जो है आजकल सब जगह पूछता है, कहते हैं कि रचना काल के अनुसार, रचना काल के अनुसार, रचना काल के अनुसार कालिदास के ग्रंथों को कहते हैं कि रचना काल क्रम दृष्टया दृष्टया रचना काल क्रम दृष्टया। सबसे पहले हम उसमें रखते हैं ऋतु संहार को, सॉरी ऋतु संहार जो कि ये गीति काव्य है। नंबर दो कुमार संभवम ये महाकाव्य है। नंबर तीन मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है। नंबर चार विक्रमोर वसीयम ये त्रोटक है। पांचवा मेघदूत, दो खंड में है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, और यह जो है खंड काव्य है। और छठा जो है रचना रघुवंशम ये छठी रचना है, महाकाव्य है। और सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो है नाटक अवस्थानुकृत्यम नाट्यम भावानुकृत्यम नाट्यम। कहते रचना काल क्रम दृष्टया सबसे पहले स्थान पे हम सबसे पहली रचना कालिदास ने ऋतु संहार के की ये गीति काव्य। दूसरा जो है कुमार संभवम जो महाकाव्य है। तीसरा जो है मालविकाग्निमित्रम नाटक है। चौथा विक्रम और वसीयम ये त्रोटक है। पांचवा मेघदूत ये खंड काव्य। छठा रघुवंशम महाकाव्य है। और सातवां विज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है। और इसके बारे में जो है कवि परिचय हम लोग जानेंगे। कालिदास के जो प्रिय छंद है उपजाति और अनुष्टुप छंद है। प्रिय अलंकार इनका उपमा कालिदास ऐसा नाम से ही हम लोग जानते हैं। और उपमा जो है इनकी बहुत सुंदर उपमाएं हैं जो हम ग्रंथों में पढ़ेंगे अभी।
कालिदास से प्रिय रीति एवं गुणा, कहते हैं प्रिय रीति इनकी वैदर्भी रीति रही है एवं प्रसाद गुण में ये काव्य को लिखते हैं। कालिदास से प्रिय रस श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस के जो है बड़े ही प्रिय कवि। विद्या प्राप्ति पश्चात कालिदास से प्रसिद्ध कथनम, जब विद्या प्राप्ति कुछ कथा है और उस कथा में हम लोग काफी प्रसिद्धि ये कथा ने पाई है, इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देही, इन्होंने दरवाजा खोलो कहा, बड़े ही विद्वत्पूर्ण भाषा में कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देही अस्य कथनस्य उत्तरम पत्नी विद्युत्तमा दत्तवती उक्तवती अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, लगता है कोई विद्वान है, वाक की ध्वनि है, यानी कि लगता है भाषा का जानकार है। तो कालिदास ने अस्ति शब्द से शब्देन कुमार संभवम ग्रंथस्य प्रथम श्लोक उक्तवान अस्तित्वस्य उत्तरस्तदं दिशि देवतात्मा हिमालयो अस्तित्वस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो कश्चित् शब्देन मेघदूतस्य कश्चित् कांतः विरह गुरुणा स्वाधिकारात् परमत्तः, वाक् शब्देन कालिदास रघुवंशस्य मध्ये रघुवंशे उक्तवान वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदासस्य उपनामा बहु उपनामाः सन्ति, कहते हैं कि पहला कालिदास के उपनाम को कहते हैं दीपशिखा कालिदासः, फिर दूसरा कहते हैं रघुकारः कालिदासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, कविता कामणी विलासः कालिदासः और उपमा सम्राट इति कालिदासः। विक्रमादित्यस्य सभायाम नवरत्नानि सन्ति अस्ति स्म कस्याम सभायाम एकः कालिदासः अपि स्थि, कहते कि श्लोक जो है बहुत प्रसिद्ध है, ये ज्योतिर्विदा अवहरण के 22वें अध्याय का 10वां श्लोक है। धनवंतरी छपनक काम सिंह संकोप वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वराह मिहिरो निरपते सभायाम रत्नानि वैवर रुचिर्ण विक्रमस्यः, यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में जो है ये नवरत्नों की जो नाम मैंने लिया, इन नवरत्नों में कालिदास भी थे। निर्गतासु नावाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु वृत्तिर मधुर सांद्रासु मंजरिष्व जायते, वान भट्ट ने जो है हर्षचरित ग्रंथ में उद्धृत किया है कालिदास के लिए। कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः जयदेव कृत प्रसन्न राघवम में उन्होंने चर्चा की है कालिदास की। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थंका तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्, ये जो चर्चा है ये किसी अज्ञात की चर्चा है लेकिन ये काफी प्रसिद्ध संस्कृत जगत में हुई। एकोपि जीयते हंता कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी विमुह, कहते हैं राजशेखर कहते हैं सुक्ति मुक्तावली में कि तीन तरह के कालिदास हुए, ऐसी चर्चा जो है कवियों के मुंडे मुंडे मधुर भिन्नाः संति। उपमा कालिदास से जो है यह बात उद्भट्ट उक्तवान, उद्भट्ट ने ये बात कही कि उपमा कालिदास से, यानी कि उपमा की बात होती है, उपमा के लिए कालिदास पर्याय बन गए। कालिदासा गिराम सारम कालिदासा सरस्वती चतुर्मुखाद अथवा साक्षाद विदुरनान्ने तुम अदृशः मल्लिनाथा ने ऐसे इनके लिए ये बात कही। कालिदासादि नाम विवियसः काव्य प्रकाश में मम्मट कहते हैं और कह इह रघुकारेण रमते, ये आलोचक जो है इनको ऐसा कहते हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग सिर्फ कालिदास के कवि परिचय को जाना, अब हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के ग्रंथ परिचय को जानेंगे। ग्रंथ परिचय में हम लोग देखते हैं लेखक जो है यानी कालिदास है और ये विधा जो है नाटक है, इसका जो लक्षण है अवस्थानुकृत्यम नाट्यम, अवस्थानुकृत्यम नाट्यम भरत मुनिनानुसारेण त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, ऐसा जो है नाटक का लक्षण करते हैं। अंक इसमें जो है विज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है जिसमें प्रसाद गुणयुक्त और ये सुखांत नाटक है। कालिदास के जितने भी नाटक है सभी नाटक जो है सुखांत है। प्रधान रस श्रृंगार, इसमें जो है संभोग श्रृंगार की चर्चा है।
प्रमुख पात्र जो है इसमें नायक दुष्यंत है, और दुष्यंत जो है धीरोदात्त नायक है, धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। एक मर्यादा के साथ जो है जो नायक धीर गंभीर हो उदात्त प्रकृति का है, ये नायक जो है दुष्यंत है। और शकुंतला इसमें नायिका है जो मुग्धा नायिका है। ये बार बार पूछता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शकुंतला की दृशि नायिका से अस्ती, तो हम लोग लिखते हैं मुग्धा नायिका। शकुंतला भी शकुंता भी पक्ष भी ललिता पालिता इति शकुंतला उच्यन्ते। विदूषक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है उसका नाम माधव्य है। ये भी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ में बार बार पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल से नाटकस्य रीति का अस्ति, तो इसमें वैदर्भी रीति है। और कालिदासस्य ग्रंथेषु कस्य वृत्तस्य विशेष प्रयोगा सन्ति, तो कैसे की वृत्ति का जो है इसमें विशेष प्रयोग किया गया है। कालिदासस्य प्रियलंकारः कः, तो कहते उपमा कालिदासस्य उपमालंकार प्रिय है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथम अंकस्य नाम, ये जो है सर्वाधिक जो है प्रश्न अब भी यूपीएससी बीपीएससी में, और खास करके जो है हम कोई भी परीक्षा देते हैं संस्कृत से संबंधित, उसमें इस प्रश्न को जरूर पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम क्या है। तो उसका नाम है आश्रम प्रवेशः, आश्रम प्रवेशः। द्वितीय अंक का नाम क्या है, तो कहते हैं द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेशः। द्वितीय अंकस्य नाम किम् अस्ति, आश्रम निवेशः। तृतीय अंकस्य नाम अस्ति मिलन अंकः। चतुर्थ अंकस्य नाम अस्ति विदांकः। पंचम अंकस्य नाम अस्ति प्रत्याख्यानांकः। और षष्ठ अंकस्य नाम अस्ति पश्चात्ताप्य अंकः। और सप्त अंकस्य नाम अस्ति पुनर्मिलन अंकः। शाकुंतलस्य चतुर्थांके करुण रसस्य प्रयोगाः सन्ति, कहते हैं विज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है अति श्रेष्ठ है, अति प्रसिद्ध है। इसमें जो है 22 श्लोक है इस अंक में, जिसमें 14 श्लोक महर्षि कण्व ने ही बोले हैं, और जो श्लोक चतुष्टयम है वह भी जो है महर्षि कण्व एव उक्तवान। और कण्व ने जो महर्षि कण्व ने जो उक्तवान जो कहा है यह श्लोक को, बड़े सार गर्भित तौर से जो है एक बेटी की विदाई के समय जो एक पिता का जो वर्ताव है, उसका जो व्यवहार है, उसके प्रति जो आकर्षण है, वो बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभम भवति भरत वाक्य से, कहते हैं कि नांदी पाठ से होता यह सृष्टि सृष्ट आद्या से, इसमें इसको नांदी पाठ कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य समापन भवति भरत वाक्य से, कहते हैं प्रवर्तानां प्रकृति हिताय पार्थिवः, प्रवर्तानां प्रवृत्ति प्रकृति हिताय पार्थिवः, इस श्लोक से होता है। और विलियम जोन्स महोदय जैसा कि ये ग्रंथ द लास्ट थिंग्स, विलियम जोन्स ने अपने ग्रंथ द लास्ट थिंग्स में कहा है कि भूमिका याम उक्तवान के कालिदासः भारतस्य शेक्सपियर अस्ति, कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर हैं। अभी हम लोग जो है कहेंगे कि कालिदास से संबंधित हम लोगों ने सिर्फ परिचय जाना है। इस परिचय के पश्चात हम लोग अगले वीडियो में जो है कालिदास यानी कि के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, टिप्पणी पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा में करूंगा। धन्यवाद। बस काल मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, सुंदर सुरभाषा। नमो नमः। जय तो संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, भारत जीतेगा कोरोना हारेगा। जय जय श्री।